जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा महापर्व दशलक्षण महापर्व आगामी 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। वहीं आज हमारे संवाददाता आवाज डेली हर्षी टीवी के प्रमोद खंडेलवाल ने दिगंबर जैन पंचायत के संयुक्त मंत्री सुबोध जैन सेट्टी से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। 10 सितंबर से दशलक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है, कैसी क्या तैयारियां चल रही है? ये दशलक्षण महापर्व जो है ये जैनियों का सबसे बड़ा आराधना का पर्व है। पर्व तीन शब्दों से बनता है, जो पापों को रग रग से विसर्जित करे वो हमारे यहाँ पर्व है। इसमें त्याग तपस्या संयम, 10 दिन में 10 धर्म का पालन होता है। उत्तम क्षमा माधव आदव सत्य सोच संयम तप आकिंचम और ब्रह्मचर्य, अंत में क्षमावनी जिसको हम लोग विश्व मैत्री दिवस मनाते हैं। एक दूसरा से हम लोग अपने गलतियों को माफ़ी मांगते हैं, क्षमा करते हैं। इस पर्व में चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से सारा कार्यक्रम होगा। दोनों मंदिर में बुद्धि सच्चा होगी, लोग वर्चुअल घर में ही अपने पूजा आराधना करेंगे। मंदिर में जो पूजन अभिषेक होता है वो सीमित मात्रा में होगी। और इस पर्व में कई लोग एक आसन करते हैं, दिन भर में एक बार आहार लेते हैं, कई लोग 3 दिन का पूर्ण रूप से निराहार रहते हैं, कई लोग 5 दिन का करते हैं और कई लोग 10 दिन का दशलक्षण व्रत। चूँकि ये 10 दिनों का जो ये रहता है, चूँकि जैन धर्मावलंबियों का ये बड़ा पर्व माना जाता है, पूजा अर्चना किस तरीके से होता है? पूजा अर्चना जो हमारे मंदिर में जो सामान्य रूप से हो रहे हैं वहाँ होंगे, भीड़ नहीं लगाया जाएगा। शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है वो वर्चुअल रहेगा। घर से लोग अपने प्रतियोगिता में धर्म का प्रतियोगिता होगी, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता होगी, बाल प्रतियोगिता होगी, वो वर्चुअल होगी, वीडियो के माध्यम से होगी। क्या परिचय हुआ? सुबोध सेठी संयुक्त महामंत्री दिगंबर जैन समाज।